राशन बांटना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे जितने बड़े बड़े गार्डन आपको पीछे नजर आ रहे हैं, पूरे पूरे गार्डन भर दूँ राशन डालने, इतना राशन काम कर सकते हैं। मगर राशन क्या, कराची के नौजवान सिर्फ फूड पांडे की डिलीवरी करने रुक गए सिर्फ? क्या ये बाइकों पे जा जाके कितने थोड़े थोड़े कमीशन में जा जाके ये फूड डिलीवरी करने रुक रहे हैं? एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने बच्चे को लेके आई, हमारे बच्चे को मेरे पास क्या, मुझे राशन दे दो, मुझे जरूरत है, तो मैं क्या उसकी बेबसी दिखाऊंगा, उस तस्वीर दिखाऊं उसकी? अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग मौजूद हैं मीसा मज़ा आब्दी के साथ, और इन्होंने जो है अभी बहुत प्यारा काम, एक फाउंडेशन शुरू की हुई है यूथ को जमा करके, RMF फाउंडेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं RMF के बारे में कि मीसा भाई RMF बनाने का मकसद क्या है। RMF फाउंडेशन पाकिस्तान में किरदार है जो कि सारी NGOs के अंदर एक बहुत ही एक मामूली सा किरदार अदा कर रहे हैं। रजाकार हैं हम, 4-5-6 लड़के हैं रजाकार हैं, और रजाकार के तौर पे जितना हम सोच सकते हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए, कराची के मुफलिस लोगों के लिए। देखिए मैं असल में यहाँ पे हम मदद करने बैठे हैं मिडिल क्लास लोगों की, जिनकी हालात पहले कुछ और हुआ करते थे, कुछ और हुआ करते थे, वो पहले कोई और ज़िंदगी जी रहे थे, कुछ और ज़िंदगी जी रहे। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो आपने सही बता दिया, लेकिन ये RMF जो है जो काम कर रही है, तो मतलब ये कोई काम भी कर रही है मतलब यूथ के लिए, या फिर मतलब बस ऐसे नाम बना रही है? जैसे आजकल सोशल मीडिया पर हर किसी यही चाह रहे हैं कि ऊपर आ रहे हैं। देखिए हमारा सोशल मीडिया ऊपर आने के लिए यहाँ पर और बहुत से प्लेटफॉर्म थे ऊपर आ सकते थे, हमारे लिए मुश्किल नहीं थी। ये फाउंडेशन का काम इसलिए करते हैं कि भाई हमारा काम क्या है, देखिए हम असल में यूथ पे क्या काम कर रहे हैं, राशन बांटना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पे जितने बड़े बड़े गार्डन आपको पीछे नजर आ रहे हैं, पूरे पूरे गार्डन भर दूँ राशन डालने, इतना राशन काम कर सकते हैं। मगर राशन बांटना कोई हल थोड़ी है। मैं आपको अगर चले आप, मैं मुफलिस हूँ, अगर आप बांटने वाले ना, अगर आप मुझे 10 साल तक राशन देते रहेंगे ना भाई, तो 10 साल बाद मैं भी वहीं खड़ा हूँ, 10 साल बाद आप भी वहाँ खड़े हैं। आपकी बात जब है, आपका कमाल जब है, जब आप मेरे आदमी को ऐसी चीज़ देते हैं जिससे मैं खुद कमा सकूँ, या वो हुनर हो या तालीम हो कुछ भी हो। तो भाई मैंने सोचा कि भाई हुनर दूंगा, मैंने स्किल प्रोग्राम खोले कराची के 50 मुकामात पर, स्किल प्रोग्राम खोलने जा रहा हूँ, ठीक है, 3 जगह पर चल रहे हैं, 4 जगह पर खुलने वाले हैं इंशाल्लाह। स्किल प्रोग्राम खोलेंगे, हुनर सिखाएंगे लोगों को, भाई लोग हुनर सीखे, खुद कमाए जाके, मोबाइल रिपेयरिंग सीखे, मोबाइल रिपेयरिंग सीखे, वो कमाए, वीडियो एडिटिंग सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, वेब डिजाइनिंग सीखनी है, ऑटो कैड वगैरह जितने कोर्सेज हैं मैं सिखा रहा हूँ। फ्यूचर में देखते हैं कि आपने और करने यूथ के लिए और लोगों के लिए पूरे फैला रहे हैं? देखिए यूथ के लिए काम करना है, देखिए आप एक चीज़ नोट करें ना, मेरा गुजरा वक्त है ना, हमारा जो गुजरा वक्त है उसको हम सही नहीं कर सकते, मतलब मेरे आगे फ्यूचर जो नौजवान नसल मेरी उम्र के लोग हैं उनको सही कर सकते हैं, उनको बना सकते हैं, उनको बनाएंगे तभी हमारी ज़िंदगी आगे बनेगी। जो मैं हूँ जवान आप है, मैंने अगर आपकी ज़िंदगी बना दी ना, आपके अगले 7 बदनसले बैठे खाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि मैं यूथ पे काम करूं या वो फिर पीछे जाकर लोगों को राशन बांटता फिरूं? राशन बांटने का ये होगा भाई 10-15 साल बाद मैं भी वहीं खड़ा हूँ, वो बंदा वहीं खड़ा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। तो ये है कि मैंने ये सोचा, हम तो हमारा इरादा यही है कि हम यूथ को रेडी करेंगे, हर तरह का हुनर जो हम दे सकते होंगे हम देंगे, हमें 100 तरीके हुनर देने पर हम 100 तरीके हुनर देंगे, हम काम करेंगे यार, हमें काम करना है, हमें अपनी जवान रेडी करना है ताकि हम आगे जाके वो अपनी जिंदगी सवाल लेंगे। अच्छा लगता है कोई यार 20 साल का जवान है, वो कहीं जाके कहीं नौकरी मांग रहा है, फूड पांडे लेंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि पाकिस्तान कराची के नौजवान सिर्फ फूड पांडे डिलीवरी करने रुक गए सिर्फ? क्या ये बाइकों पर जा जाके कितने थोड़े थोड़े कमीशन में जा जाके ये फूड डिलीवरी करने रुक रहे हैं? भाई नहीं, इनका मतलब और है, इनकी किस्मत और है, आपको भी जीने का हक है, आप भी जी सकते हैं। या कराची में अगर आपका हाल बेहाल कर लगे तो ये आपके साथ का हक छीना जा रहा है, आपका भी हक है आप भी अच्छी ज़िंदगी जिए, आपका भी हक है आप भी अच्छी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ गुजारें। चलो मीसा भाई ये तो बात अच्छी थी, लेकिन एक और सवाल रहना है कि आपने जो अभी राशन का काम किया था रमजानों से जो चला आ रहे, जो लोगों की आप मदद कर रहे हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको आप राशन दो तो वो लोग क्या मतलब देने से मना करते थे कि उनकी मदद बनाना शुरू कर देते, तो आपके हमने पेज भी देखा कि राशन की आती है लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद थोड़ी लोगों की बेबसी दिखाएं। एक 80 साल की बूढ़ी औरत अपने बच्चे को लेके आई, हमारे बच्चे को मेरे पास क्या, मुझे राशन दे दो, मुझे जरूरत है, तो मैं क्या उसकी बेबसी दिखाऊंगा, उस तस्वीर दिखाऊंगी? जवान ना देखें, ये जवान ये आप दस समझें, मैं जवान हूँ 20 साल का, मेरे घर में खाने कुछ नहीं है, मैं आपके धर्म आकर मांगूँ, आप ही दस समझें, तो ये दर्द और ये महरूमियाँ खत्म करने के लिए बस इस मैदान में आया, उसका हमारा और कोई मंशूर कोई मकसद नहीं। हम चाहते हैं कि यार अपने सीरीज से महरूमी खत्म किया जाए, जवान तैयार हो जाएगा ना, आपकी नस्ल तैयार होगी, आपका मुल्क तैयार होगा, आपका शहर तैयार होगा, सारी मुश्किलात खत्म हो जाएगी। कि भाई ये देख लो यार, ये एक बूढ़ी औरत है, इसकी तस्वीर देख लो, और ये बीमार है, और ये बच्चा इसका वैसा वैसा, यार हमारा मकसद नहीं है, हम क्यों किसी की इज्जत को पामाल करें यार? वो अपनी इज्जत रखता है, ख्याल रखते मेरे पास आ रही है, मैं क्यों उसकी इज्जत पामाल करूँगा यार? वो मेरे पास आए, वो बोलती वीडियो नहीं बनवाने, मैं नहीं बनाता वीडियो, असल में बनाने का मकसद आप पूरी आज से लेके हमारे पहले दिन से लेके आप पे वीडियो डालें, आपको अंदाजा हो जाए कितनी वीडियोज में कितने लोगों लाए, एक वीडियो में गरीब नहीं आया, एक गरीब की तस्वीर डाली हमने पे से, किसी माधूर लाचार की तस्वीर डाली हमने, क्यों? हमारा मकसद ही नहीं है, हमारा मकसद ये भाई को हमारे बढ़ते आता है, हमें अपनी वीडियो बनाते हैं, मैं ये चेहरे में सामने निकालता हूँ, भाई ये चेहरा इस चेहरे पर दो यार।